एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये विराज की समर वेकेशंस के बाद का पहला दिन है और आज से उसके स्कूल ओपन हो रहे हैं। आज 1 जुलाई है और बस वेकेशन के बाद एक अलग ही जोन है। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, एक रूटीन बन गया था देर से उठना, सब काम धीरे धीरे करना। छुट्टी थी, वो भी फ्री था, मैं भी फ्री थी, तो बस आज से उसका स्कूल खुल रहा है 1 जुलाई से। और मैं बस उठते के साथ ही सारे कर्टन्स वगैरह हटा के फ्रेशन अप होके आ गई हूँ स्ट्रेट अवे किचन में उसका ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। और बस रात को ही मैं सोच लेती हूँ कि मुझे उसको सुबह क्या देना है, तो मेरे लिए सुबह थोड़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज ये सबसे बड़ा काम है सोचना कि आज टिफिन में क्या दो। तो बस यहाँ पे मैं उसका फ्रूट कट कर रही हूँ, आज पपाया दे रही हूँ उसको फ्रूट में, वो खुशी खुशी खा लेता है इस फ्रूट को। वैसे तो आजकल मैंगोज बहुत आए हुए हैं, बट वही है कि पपाया भी रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज यही दे देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में उसको मैंने आज पनीर का पराठा दिया था, तो बस यही उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और फ्रूट ब्रेक जब होगा तो वो पपाया खा लेगा। तो बस यहाँ पे उसके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। ऐसा लग रहा था क्यों ही उठ गई हूँ और क्यों ये सब कर रही हूँ। लेकिन वही है कि यू हैव टू बी ऑन योर ट्रैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और बस वो दिन आ जा गया था। तो बस यहाँ पे मैं उसका बैग भी पैक कर दूंगी, उसका टिफिन रख दूंगी, वाटर बॉटल रख दूंगी। और आज उसका बैग काफी हैवी हो गया है क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी मिला था, तो बहुत सारी बुक्स थी, तो वो सब मैंने इसमें ऑलरेडी रात को ही रख दी थी उसको रेडी करके। और ये देखो यहाँ पे आ गया विराज रेडी होके। उसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, उठ ही नहीं रहा था वो, क्योंकि उसको भी एक हैबिट पड़ गई थी देर से उठने की। वैसे तो इतना लेट नहीं उठता था, 9:30-10 o'clock तक उठ जाता था छुट्टी में भी, लेकिन आज उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बट वही है कि ठीक है, 2-3 दिन में उसको हैबिट पड़ जाएगी। और यहाँ पे मैं उसको दिखा रही हूँ कि देखो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है विराज का और उसका हेयर कट भी हो गया है। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग कडल्स चल रहे हैं और उसको ड्रॉप करके आ जाऊंगी मैं बस के लिए। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, नहाना धोना हो गया था। और यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ ये मेडिसिन वाली जो ड्रॉअर है जिसमें विराज की मेडिसिन्स रहती हैं स्पेशली। और जैसे कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि मेडिसिन्स की छटाई आप लोग करते रहा करिए हर 2-3 महीने में, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स एक्सपायर हो जाती हैं और गलती से जब इमरजेंसी में हम एकदम से दे देते हैं तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कौन कौन सी मेडिसिन्स एक्सपायर हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्रीम्स थी और एक मेडिसिन थी, ये एंटीबायोटिक था, तो ये एक्सपायर हो चुके थे, तो इनको मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। तो अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं सोच रही हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप अरेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली ग्रोसरी परचेज करी थी डीमार्ट से, तो डीमार्ट में इस टाइप के ऑर्गेनाइजर वगैरह भी मिलते हैं, क्लोथिंग का भी है सेक्शन उनका, क्रॉकरी का भी सेक्शन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मैंने अभी डीमार्ट से ये बॉक्स परचेज किया है, ऑर्गेनाइजर बोल सकते हुआ, और ये बहुत ही प्रिटी मुझे लगा। सिर्फ 199 रुपीज़ का बॉक्स है और इस टाइप से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब गहरा काफ़ी है। और ये होल्ड करने के लिए दोनों साइड पे ये दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो इजीली। और ये इसका ढक्कन इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इस पर W लिखा हुआ है या M है या क्या है, आई डोंट नो व्हाट ब्रांड और वट एवर इट इज़। तो ये मैंने परचेस किया है डीमार्ट से, आप लोग भी ट्राई कर लेना, 199 में बहुत अच्छी डील है। और इसमें कलर्स भी बहुत सारे थे तो मैंने एक ही लिया है, ये ऑरेंज कलर का। और इसमें मैं अरेंज करने वाली हूँ अपना मेकअप का सामान जो अभी फिलहाल काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। तो इसमें मैं डायरेक्ट अपने मेकअप को ऐसे ही नहीं रख दूंगी, इसमें भी मैं उसको इस तरीके से अरेंज करूंगी कि मुझे उसको जब भी यूज़ करना हो तो वो इजी रहे। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ ग्लास जार्स, जैसे कि ये पहले मैं अपने किचन में यूज़ कर रही थी, बट अभी मुझे किचन में इनका कोई यूज़ नहीं रह गया है। और ये मेरे पास इस टाइप के 6 जार्स हैं, तो मैं उनको इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने इस ऑर्गेनाइज़र में इस तरीके से रख के। आई गेस 6 आ जाएंगे, बट देखते हैं जैसे भी मेरा मेकअप अरेंज हो जाएगा उस टाइप से मैं इनको रखूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास ये मस्कारा, ये कुछ मस्कारा है, कुछ आईब्रो पेंसिल है, कुछ आईलाइनर है। तो ये सारे आई से रिलेटेड मेरे सामान जितने भी हैं, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल और लाइनर, ये सब मैं इसमें रख दूंगी और इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगी इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर मेरी कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, कुछ शुगर की हैं, कुछ हुडा ब्यूटी की हैं, तो इनको भी मैं इसमें अरेंज कर दूंगी।
ये अगेन मेरी कुछ लिपस्टिक हैं शुगर की, ये मेरे कुछ मेकअप ब्रशेस हैं, अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं, ये फैन ब्रश है, ये ब्लश के लिए है, कुछ आपका आईज के लिए है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये सारे ब्रशेस हैं। तो ब्रशेस मैं अपने एक जार में रख दूंगी। ये कुछ छोटे छोटे ब्रशेस हैं, इनको भी मैं इस ब्रश वाले सेक्शन में ही डाल दूंगी, तो जब भी यूज करना होगा तो मुझे ब्रश वाले ही जार में सब मिल जाएगा। नेक्स्ट जार में मैं रखने वाली हूँ अपना ये फाउंडेशन, ये एन बाय बे का है, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो एक ये फाउंडेशन मैं इसमें रखूंगी, एक ये फाउंडेशन मैं इसमें रखूंगी, दो मेरे ये कंसीलर और स्ट्रोक क्रीम है ये मैं रखूंगी, ये मेरा एक सिंदूर है ये मैं इसमें डालूंगी, ये भी मेरा आई लाइनर ही है ये भी मैं इसी में डाल दूंगी, ये एक मेहंदी का ब्रश है, मैं अपने बालों में अभी हेना अप्लाई करती हूँ तो ये ब्रश की जरूरत मुझे पड़ती है, तो ये एक ब्रश मैं ऐसे इसको साइड में डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने 5 जार रखे हैं तो मेरे पास दोनों साइड में यहाँ स्पेस खाली है, तो ये ब्रश मैं ऐसे ही डाल दूंगी। ये जूडियो का मेरे पास नेल पेंट रिमूवर वाइप्स हैं तो ये मैं डाल दूंगी। यहाँ पर मेरे पास 2 आई लाइनर और हैं, ये भी मैं यहीं पर रख दूंगी। ये हाईलाइटर मैं यहाँ पर रख दूंगी, और ये मेरे पास 2 शार्पनर हैं तो ये भी मैं साइड में ही डाल देती हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो मैंने साइड में डाल दी हैं, बाकी मेरे 5 जार में चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो गई हैं। इसमें मेरे मस्कारा और आईब्रो पेंसिल और काजल और आईलाइनर वगैरह हो गया है, इसमें मेरे सारे मेकअप ब्रशेस हो गए हैं, और इसमें मेरी सारी लिपस्टिक हो गई हैं दोनों जार में, और आगे वाले में मेरा फाउंडेशन कंसीलर और स्ट्रोक क्रीम वगैरह हो गया है, और साइड में मेरे कुछ हाइलाइटर और लाइनर हो गए हैं, और बाकी जो मेरा मेकअप का सामान है जैसे कि जितने भी पैलेट्स हैं, आई शेडो पैलेट हुआ, डोरिंग पैलेट है, या जो भी मेरा मेकअप का और सामान है वो सेपरेटली रखा हुआ है। लेकिन ये कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज ना करो तो चीज़ें टाइम पे मिलती नहीं है, तो मुझे ये एक आइडिया दिमाग में आया तो मैंने इस तरीके से इन जार में ऑर्गेनाइज कर दिया है। एंड आई होप ये बहुत ईजी होगा इसको यूज़ करना, जब भी मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है तो आई हैव सेपरेट जार्स और मैं इसको ईजिली रख भी सकती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कवर भी करके ईजिली अपने वैनिटी में लगा दूंगी, तो जब भी मुझे यूज़ करना होगा इट्स सिंपल एंड ईजी, और चीज़ें अरेंज की अरेंज है। जब भी क्लीन करना होगा, जैसे जार मुझे निकालना और मैं इस बॉक्स को भी क्लीन कर सकती हूँ, तो येस आई एम हैप्पी। और आप लोग भी बताना ये आइडिया आपको कैसा लगा। और बस फिर ये है रात का सीन, मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज आलू बैंगन की सब्जी बनी थी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्लेन पराठा, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ दही और पराठा साथ में हो तो वही अच्छा लगता है, रोटी सूखी सब्जी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर साथ में कुछ दाल वगैरह हो तो रोटी चल जाती है, बट अगर एकदम सूखी सब्जी से ही आप खा रहे हो तो प्लेन पराठे के साथ उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, और हमें तो काफ़ी पसंद है, तो हम तीनों को ही पराठे काफ़ी पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे प्लेन पराठे बना रही हूँ, और साथ में सब्जी हो जाएगी, और दही ले लेंगे थोड़ी सी, और बस ये हमारा डिनर हो जाएगा। तो बस ऐसा ही कुछ रहा हमारा पहला दिन आफ्टर समर वेकेशंस। तो चलिए, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।